आज कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे साथ सलीम अहमद साहब हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। सलीम अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और आज से पहला सवाल ये है कि आप राजनीति में हाँ, कब आए थे? सी आई स्टार्टेड माई पॉलिटिक्स इन द ईयर ऑफ 1982 एन एस यू आई, तो स्टूडेंट्स विंग, कांग्रेस पार्टी जो स्टूडेंट्स विंग है उसमें पहले कॉलेज यूनिट का प्रेसिडेंट रहा और 5 साल वहाँ का जो इलेक्टेड स्टूडेंट लीडर रहा। उसके बाद आई बिकेम ब्लॉक एन एस यू प्रेसिडेंट, सिटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कांग्रेस, देन स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कांग्रेस, देन आई बिकेम स्टेट प्रेसिडेंट जब हमारे जनार्दन पुजारी साहब जो प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम पे मुझे स्टेट के प्रेसिडेंट बनाए गए, उस टाइम राजीव गांधी थे। उसके बाद वीरेंद्र पाटिल जब पी सी सी प्रेसिडेंट रहे उस टाइम भी रहा। तो उसके बाद 1993 में पहली बार कर्नाटका से एक पहला मिस एक मुसलमान को पहली बार ऑल इंडिया एन एस यू आई का प्रेसिडेंट बनाया गया। सो दैट इज फर्स्ट टाइम फ्रॉम कर्नाटका आई वॉज अपॉइंट प्रेसिडेंट। 93 से 98 तक मैं ऑल इंडिया का स्टूडेंट्स विंग का प्रेसिडेंट रहा। 98 टू 2000 इंडियन यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, उस टाइम गायकवाड़, सतीश गायकवाड़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रहे, तो मैं इस टाइम में जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद 2000 में 1996 में आई वॉज मेड एम एल सी, आई वॉज यंगेस्ट एम एल सी इन द हाउस ऑफ एल्डर्स। तो 2000 में जब एस एम कृष्णा पी सी प्रेजिडेंट के बाद हमारी हुकूमत कर्नाटक में आई, सो एक्चुअली दे वॉन्टेड टू मेक मी मिनिस्टर, बट बिकॉज ऑफ ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज आई वॉज मेड द गवर्नमेंट चीफ विप इन द हाउस ऑफ एल्डर्स। आई वॉज द गवर्नमेंट चीफ, यंगेस्ट इन गवर्नमेंट चीफ विप, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एस एम कृष्णा गेव मी। तो फॉर 4.5 years आई वॉज अ गवर्नमेंट चीफ विप ऑफ द काउंसिल, दैट वॉज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ चीफ विप, इज टू मैनेज द हाउस, द अटेंडेंस ऑफ द मिनिस्टर्स, द मेंबर्स कोरम, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जिंदगी के पॉलिटिकल तजुर्बे। तो कितना साल हो गया कांग्रेस में टोटल काम करते हुए? सो आई जस्ट कंप्लीट दिस वन जी, तो 4.5 साल 6 months अर्ली इलेक्शंस हो गए एस एम कृष्णा के टाइम पे। देन लेटर ऑन विद धरम सिंह व्हेन बिकम चीफ मिनिस्टर फॉर 1.5 years आई वॉज देयर, तो इट इज रिकॉर्ड इन द काउंसिल दैट आई हैड बीन नियरली 7 years एज अ गवर्नमेंट चीफ विप, इट इज अ रिकॉर्ड इन काउंसिल। तो चीफ विप रहा, आई कंटिन्यू लाइक दैट। सो टोटल पब्लिक लाइफ मीट्स अराउंड 38 years, 38 साल हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक लेवल टू द नेशनल लेवल। I had an opportunity to work with two prime ministers of this country, Rajiv Gandhi and P.M. Narasimha Rao. So it was a big journey. Then I had contested parliament from Haveri. 2012 mein, I was made as a director general of Nehru Yuva Kendra Sangathan, which is a government body. I was appointed by Shri Manmohan Singh Ji and Shrimati Sonia Gandhi to encourage the rural youth. It is a big organization, government sponsored organization to encourage the rural youth. So, two and a half years mein pehli baar I was appointed. Then again 2018 I was special representative government of Karnataka at New Delhi, the bridge between state government and central government. Then last 1.5 years back I was appointed as the AICC secretary in charge of Telangana state, and was also member of the screening committee for Jharkhand. So this is my 38 years of journey, and finally Congress president and Rahul Gandhi ji wanted me, and Venu Gopal ji wanted me to work back in Karnataka as the working president to strengthen the Congress party. Shri D.K. Shikumar, a senior leader, has been appointed president. He was former working president of the PCC, and 3 working presidents have been made to strengthen the Congress party in Karnataka. On behalf of the Congress party, I thank Congress President Sonia Gandhi ji, leader Rahul Gandhi ji and Venu Gopal ji, all the leaders reposing faith in me, jo confidence se jo mujhe banaya gaya hai, to puri tarah puri imandari se main kaam karunga. And my long journey of 38 years in Congress party, and my grandfather was a freedom fighter, so I come from a freedom fighter's family. And to sir ye bataiye ki abhi jo Congress ka situation hai, ek bade neta Sindhia sahab chale gaye, क्या रीजन है कि बड़े बड़े लोग जो 18-18 साल काम करके सडनली निकल जाते हैं? उसमें क्या अपना स्वार्थ है या कांग्रेस के अंदर ही कोई कमान
मजबूती से पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए लोगों को उम्मीद नहीं है कि यहाँ कोई फ्यूचर है, इसकी वजह से लोग निकल के जा रहे हैं। सी बेसिकली दैट फैमिली इज ऑलवेज अटैच्ड टू आरएसएस एंड बीजेपी। आई हैड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मिस्टर माधव सिंधिया, ही वॉज एचआरडी मिनिस्टर व्हेन वी हैड अ गवर्नमेंट इन दिल्ली, बट आफ्टर हिज डेथ ही वॉज गिवन अपॉर्चुनिटी। He was twice MP, he was a union minister, member of the working committee, general secretary of AICC. In 18 years, nobody could get so much opportunity like Sindhya, and he backstabbed. And he was to be made Rajya Sabha MP also. And this kind of arm twisting, because this BJP played a game. So Congress gave all opportunity to Sindhya. लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है, हर जगह ये देखने को मिल रहा है। सिंधिया का बैकग्राउंड आपने कहा कि ऐसा है, ठीक है चलिए, उनके बिकॉज यू नो उनके फादर उनके मदर हमेशा बीजेपी के, उनके फादर भी पहले रहे बाद में आए, क्योंकि राजमाता आप जानते हैं सिंधिया से बीजेपी, राजस्थान में उनका फैमिली सब बीजेपी, मेजोरिटी ऑफ देम बीजेपी। ठीक है सर, वो एक उनका अपना पहले से झुकाव था उस साइड में, तो चले गए वहाँ, ठीक है। आप कह सकते हैं घर वापसी हुई होगी उनकी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कर्नाटका में इलेक्शन जो अभी हुआ उस वक्त भी हमारे जो आपके 17 MLA निकल के गए वहाँ प्रॉब्लम हुआ, और फिर आप देखेंगे अभी गुजरात में 4 लोग रिजाइन करके बीजेपी की तरफ जाने वाले, ये हर जगह ऐसा जो हो रहा है उसका क्या रीज़न है? कर्नाटक में जो हुआ था, दिस इज नथिंग बट अ गेम ऑफ बीजेपी। जी बीजेपी ट्राई टू टेक आवर MLAs व्हेन दे कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, जब उनके पास सपोर्ट नहीं था, एक सेक्युलर जो वोटिंग पैटर्न जो लोग है तो कांग्रेस और जनता दल के साथ में हमारे गवर्नमेंट के हमारे MLAs को दे ट्राई टू बाय। लेकिन पहले ये नहीं हो पा रहा था, पहले आप लोगों का ज्यादा कंट्रोल था अपने लोगों पे कि आप जो बोलते थे लोग रुक जाते थे, लेकिन अभी बहुत आसानी से वो आपके लोगों को जो मजबूत कैंडिडेट उनको निकाल के अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं, उसका क्या रीजन है? पकड़ कमजोर हो गई? नहीं पकड़ नहीं, पॉलिटिक्स रिसेंट डेज में प्रिंसिपल्स पॉलिसीज छोड़ के पर्सनल बेनिफिट पे लगने लगे हैं। जी इन डेमोक्रेसी हम जब भी हम लोग पॉलिटिक्स में आए तो ऑन प्रिंसिपल्स ऑन आइडियोलॉजी ऑन कमिटमेंट उस पर हम आए थे, लेकिन नए लोग आ रहे हैं तो नाउ दे आर गोइंग फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स, फॉर दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू फाइंड द क्वालिटी पीपल इन द फ्यूचर, क्वालिटी पीपल हु एक्सेप्ट द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी, द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑन सेक्युलरिज्म, और जितना जो सिद्धांत है कांग्रेस के उस पर जो मानने वाले हैं, वैसे लोगों को हम लोग आगे वाले दिनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेदर इट इज पोजिशन और टिकट्स एनीथिंग, बट डेफिनेटली इट इज ऑल फॉर अस जोल टू अस ऑल्सो, हाउ कुड वी बिलीव सच पीपल हु डिजर्ट द पार्टी ऑन आइडियोलॉजी ऑन कमिटमेंट, दे लीव द पार्टी, दे गेट इलेक्टेड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड दे लीव द पार्टी फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स, पर्सनल गेन्स, पावर, मिनिस्ट्री, and this kind of a politics is not acceptable now. So we are trying to, today we had a meeting in the morning, that's what we were discussing, president and v3 working press discussed, let us bring quality people, jo siddhantvadi jo vicharvadi will never get sold, such kind of people should be encouraged. To future mein aisa kuch na ho, ab dk sri kumar president hai, uske sath aap log do teen working president hai, to aap log ki kya niti hogi ki congress yahan mazboot bhi ho aur future mein aise tod jod ke kaam na ho? बिल्कुल कांग्रेस कर्नाटका कांग्रेस इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, एंड अब जो ये जो बना हुआ है, जो इन्होंने जो बैकडोर से जो गवर्नमेंट बना चुके हैं, MLA बन चुके हैं, दिस इज ऑल टू बी परमानेंट, यू सी आफ्टर सम टाइम व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द गवर्नमेंट। तो जो लोग जहाँ जा गए हुए हैं उनको मालूम पड़ेगा क्या होने वाला है। सीन तो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज गिवन ए वेरी स्ट्रॉन्ग मिस प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट्स, वी हैव लीडर्स लाइक सिद्धरामैया जो इज लीडर ऑफ अपोजिशन, सो होल द यूनिटी इज देयर नाउ। We are going to meet in Delhi. पहले हम लोग जो है क्या मिस वी हैव टू गोइंग थैंक कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड राहुल गांधी जी ऑल्सो, बट नाउ होल वी आर गोइंग ऑल लीडर्स आर गोइंग टू थैंक कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड शो ऑफ यूनिटी ऑल्सो इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ आफ्टर दिस असेंबली सेशन। सो अवर वी हैव अ यूनिटी, डेफिनेटली द रूलिंग पार्टी इज डिस्टर्ब नाउ द वे नाउ द पीपल आर रिस्पॉन्ड टू दिस अवर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। I'm sure we'll come back to our next election. तो आने वाले टाइम में हम लोग ये अच्छी पार्टी की उम्मीद कर्नाटका में कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल आप लिख लीजिए। तो आखिर में हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहिए? खास तो नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप इन्वॉल्व होइए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बिकॉज एज ए स्टूडेंट लीडर आई रीच दिस स्टेज, सो आई रीच दिस स्टेज बिकमिंग ए इम्पोर्टेंट पोजिशन। सो वी वॉन्ट द यंगस्टर्स टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, गुड लीडर्स हैज़ टू बी एनकरेज्ड। आई वॉन्ट स्पेशली जो माइनॉरिटी यंगस्टर्स है, दे शुड कम ज्वाइन द पार्टी, टेक द लीड। आई एम हियर, वी आर ऑल हियर, होल कांग्रेस पार्टी वॉन्ट यंगस्टर्स टू ज्वाइन टू कांग्रेस पार्टी एंड ब्रिंग ए गुड गवर्नेंस हु कैन गिव हु कैन वर्क हार्ड टू डेवलप दिस कंट्री एंड ऑल्सो टू कम्युनिटी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।